अगर गाड़ियां लड़कियां होती तो मेरी डेफिनेटली शादी होती एक कन्वर्टेबल से, एंड नॉट जस्ट एनी कन्वर्टेबल, अ स्पोर्टी लुकिंग, स्पोर्टी ड्राइविंग, पावरफुल स्मॉल कन्वर्टेबल. क्विश व्हील्स इंडिया ने आज मुझे भेजी है अ मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि मुंबई जैसे शहर में भी व्हाई अ कन्वर्टेबल मेक्स सो मच सेंस. व्हाट अ कार, व्हाट अ मशीन. The first question in your mind will be, यार ये मैं स्विफ्ट की साइज की गाड़ी को 40-45 लाख रुपया क्यों दूं? How does it make sense? When you go looking for a car like that, a pre-loved Mini Cooper S convertible, ये 2019 की है, कोई 14-15 हज़ार चली है. आप ऐसी गाड़ी ढूंढने जाओगे, मैंने एक यूज कार पोर्टल पे देखा जहां सब लोग अपनी गाड़ियां बेचते हैं, वहां पर मुझे सिर्फ ऐसी दो गाड़ियां दिखी. लेकिन इसी पैसों में मुझे बहुत सारी लग्जरी कार दिखी जो बहुत कॉमन हो गई हैं. जब दो ही गाड़ियां ऐसी बिक रही है जिनमें से एक विश व्हील्स के पास है, तो सोचिए रेरिटी कितनी होगी. व्हेन यू बाय अ कार लाइक दिस, यू वांट टू बी नोटिस्ड, यू वांट टू बी सीन, और वो इस गाड़ी में भर भर के होता है. यार इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि लोग बोलते हैं कि सनरूफ की क्या जरूरत है, कितनी गर्मी है हमारे देश में, सनरूफ का क्या करेंगे, बिना सनरूफ का मॉडल लो. एक और देश है इंग्लैंड नाम का, जहां पर ऑलमोस्ट पूरा साल बारिश होती है, वहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा कन्वर्टेबल्स खरीदी जाती है. अगर आपने ये गाड़ी खरीदी है, आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि आपकी ओनली गाड़ी नहीं होगी, आपके पास एक प्रॉपर प्रैक्टिकल गाड़ी होगी, आपके पास इतने पैसे होंगे कि ये गाड़ी आप गेड़ी मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, मजे करने के लिए, रात को ड्राइव्स पे जाने के लिए, शायद थोड़े फन टू ड्राइव के लिए भी. और तब जब आप रात को निकलते हैं और इस कन्वर्टेबल की रूफ डाउन करते हैं, बॉस फील आती है यार, क्या फील आती है. आई मीन द हेड रूम इज इनफाइनाइट. ये रूफ ऑन पेपर कहते हैं कि 18 सेकंड में ऑपरेट होती है, मैं तो गिन रहा हूँ जब से 11 से 13 सेकंड में ऑपरेट हो रही है. 30 किलोमीटर तक की स्पीड तक आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी स्टेशनरी तो 30, उसके बाद ही आपको वार्निंग दी थी कि आप मोशन में आप रुक जाइए, फिर इसे कीजिए. और मुंबई जैसे शहर में या किसी और मेट्रो शहर में काम आता है इस गाड़ी का साइज. सब 4 मीटर गाड़ी है, तो किसी भी छोटे से पार्किंग स्पेस में घुस जाती है, छोटी सी स्पेस से निकल जाती है. तो इसका गेयरबॉक्स भी क्विकली रिस्पॉन्ड करता है. डू नॉट फॉरगेट, इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं. स्पोर्ट्स मोड जो मतलब गाड़ी बस उड़ने लगती है, ग्रीन मोड जो फ्यूल इकोनॉमी के लिए, और एक मिड मोड जो एक सिटी मोड है, जो वेल बेस्ट ऑफ बोथ है. ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, कोई शोबाजी की कार है यार ये. इसमें मतलब आपको कोई ऐसे डोर पॉकेट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे डीप या बॉटल रखने वाले नहीं मिलेंगे. बॉटल होल्डर्स आपको 2 मिल जाएंगे. अगर आपको पीछे किसी को इस गाड़ी में बिठाना है तो हमेशा 100 यानी आरी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आप आसानी से उनके पैर काट सके गाड़ी में बिठाने के पहले. बूट उसका छोटा सा है, हालांकि ये जो 200 लीटर का बूट है वो 2 लोगों के लिए जो इस गाड़ी में जाएंगे और उनके वीकेंड ट्रिप के लिए बहुत है. और जो इसका बूट ओपनर लिड है वो एक पिकनिक बेंच हो जाता है, जो अगर आप 80 किलो के हैं या आपकी गर्लफ्रेंड है तो डेफिनेटली उस पर वो बैठ सकती हैं. मेरे साइज का इंसान तो शायद इस गाड़ी से भी हैवी होता है. द नेक्स्ट रीजन व्हाई यू शुड बाय दिस कार इज बिकॉज ऑफ द मिनी स्टाइलिंग. अभी ये गाड़ी को BMW बनाते हैं, लेकिन अभी भी इसमें वो ब्रिटिशनेस है. देखिए इसका यूनियन जैक जो आपको डीकैल्स में दिख रहा है, पीछे की लाइट्स पे दिख रहा है, यहाँ डैशबोर्ड पे दिख रहा है. बाय द वे एम्बिएंट लाइट का कलर चेंज होता है, तो इसका कलर भी चेंज होता है. फिर आती है मिनी की सर्कुलर थीम, जो आपको यहाँ स्टेयरिंग व्हील के अराउंड, ये स्पीडो और टैको के अराउंड दिखेगी, ये म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम के अराउंड दिखेगी, ये कंट्रोल्स के अराउंड दिखेगी, यहाँ डोर नॉब्स पे दिखेगी. सब जगह वो मिनी का सर्कुलर थीम भी आपको मिल रहा है, जो गाड़ी को बहुत कैरेक्टर देता है. और जो आपको कैरेक्टर देता है वो है इसके टॉगल स्विचेस. बाकी गाड़ियों में आपको बटन्स या सर्कुलर चीज़ें दिखेंगी, इसमें आपको मिलते हैं टॉगल स्विचेस. आपको बनना है टॉम क्रूज फ्रॉम टॉप गन, ये दबाया गाड़ी स्टार्ट. आपको रूफ खोलना बंद करना है, आपको एम्बिएंट लाइटिंग चेंज करनी है, आपको कैबिन की लाइट शुरू करनी है, आपको एसी को एडजस्ट करना है. हर एक का आपको मिल रहा है एक ऐसा टॉगल जो आपको बना देता है कंप्लीटली स्टाइलिश. दिस इज अ स्टाइलिश कार. द मेन रीजन व्हाई यू शुड बी बाइंग दिस कार इज बिकॉज इट्स अ फन टू ड्राइव कार. ये गाड़ी एक गो कार्ट है जो रोड के लिए बनी है. ओ माय गॉड, जो लोग बोलते हैं ना ये मिनी कूपर लेडीज गाड़ी है, ये वो, बिल्कुल गलत बोलते हैं. ये कार लवर की गाड़ी है. वो इंसान जिसे ड्राइविंग के मजे लेने हैं, ये उसके लिए गाड़ी है. आई एम सो इम्प्रेस्ड. कई सालों से BMWs मिनी कूपर्स बना रहे हैं एंड दे वर्क ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पहले लोग बोलते थे मिनी कूपर की राइड मतलब थार थार थूर थूर, ऐसा लगता है सस्पेंशन ही नहीं है. बिल्कुल गलत. इस गाड़ी की राइड वाकई में बहुत अच्छी है. बहुत कम अंडुलेशंस हैं, शार्प वाले जो किसी भी गाड़ी को अनसेटल करते हैं वो इसे भी अनसेटल करते हैं. ये जो टायर्स हैं इसके, इतने बड़े चौड़े ग्रिपी टायर्स, जब आप गाड़ी इनिशियली स्टार्ट करेंगे आपको शायद स्टेयरिंग थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन उसके बाद यही ग्रिपी टायर्स और ये डायरेक्ट स्टेयरिंग आपको मजा देते हैं. आप 2-3 हाई स्पीड टर्न्स ले लो इस गाड़ी में,
ब्रेक्स यार इस गाड़ी के लग्जरी कार जैसे हैं, मतलब इनिशियल बाइट उनकी सॉफ्ट है, बाद में जोर से लगते हैं। तो जब आप छोटी स्पीड पे ब्रेक मार रहे होते हो जैसे मैंने अभी किया, ज्यादा जोर से झटके से गाड़ी रुकती नहीं है। दैट्स नाइस। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस गाड़ी का इंजन 190 हॉर्स पावर, ऑलमोस्ट 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स ड्यूअल क्लच नहीं है, लेकिन BMW ये गियरबॉक्स क्या बनाता है यार, क्या डाउनशिफ्ट होता है गियरबॉक्स, पैडल शिफ्टर्स हैं, गाड़ी स्पीड पकड़ती है, इतनी स्टेबल स्पीड पकड़ती है, पता नहीं चलता व्हेन यू स्टार्ट टू। फिर इस गाड़ी में कुछ ऐसे टचेस हैं जो ये गाड़ी को बड़ा इंटेलिजेंट बना देते हैं। जैसे देखिए, जब मैं इस दरवाजे को बंद या खोल रहा हूँ तो कैसे ये ग्लास अपने आप खुद को एडजस्ट कर रहा है ताकि कन्वर्टेबल रूफ से टकराए नहीं खोलते या बंद होते वक्त। इसमें जो है बी पिलर नहीं है, तो सीट बेल्ट के होल्डर जो है यहाँ पर माउंटेड हैं, जो बड़े ही यू नो यूनिक लगते हैं व्हेन यू लुक एट देम। म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अराउंड एम्बिएंट लाइट बदलती है और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने पर भी उसकी लाइट कम या ज्यादा होती है। सब लोग कहते हैं कन्वर्टेबल में जब रूफ ऊपर कर लो तो विजिबिलिटी कैसी है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, या ऑलमोस्ट ये ग्लास जैसा एलिमेंट है, और रूफ डाउन करने के बाद भी, गाड़ी को कन्वर्ट करने के बाद भी पीछे अच्छा खासा दिखाई देता है। इस गाड़ी में लगा हुआ है 3.5 लाख रुपए का एक खास एग्जॉस्ट। नाउ दैट डजंट कम इन द स्टॉक कार, वो इसके फर्स्ट ओनर ने लगवाया हुआ है। 3.5 लाख रुपए की सेकेंड हैंड अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है। यार एक बात पर्सनली बताऊं, ऐसी कई लग्जरी कार्स मेरे पास मेरे चैनल के लिए आती है और मैं कभी उन्हें ओवरनाइट अपने पास रखता नहीं, लेकिन जब ये गाड़ी मेरे पास आई, मैंने इसे थोड़ा पहले मेरे पास बुलाया, इसे चला के देखा, बस अपना दिल बहलाने के लिए, बिकॉज दैट इज वॉट दिस कार इज। हाँ, इन पैसों में आपको बहुत सारे अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो विशवील्स पे ही आपको मिल जाएंगे। विशवील्स इंडिया को मैं टैग कर रहा हूँ, ज़रूर जाके इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लें, इस गाड़ी को कंसिडर करें, बिकॉज इस गाड़ी में कोई सर पैर व्हील स्टेयरिंग कुछ नहीं है, ये सर से पैर तक सिर्फ दिल है, दिल। उतरते वक्त में क्या कर रहा था, ऐसे पकड़ के उतरने की कोशिश कर। Convertible, bro.